टॉप 5 मोस्ट डेंजरस शार्क्स इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि शार्क पृथ्वी के सबसे प्राचीन जानवर हैं? वैज्ञानिकों के मुताबिक शार्क 42 करोड़ सालों से पृथ्वी पर है। शार्क की कुल 500 प्रजातियां हैं जो लगभग समुद्र के हर कोने में पाई जाती हैं। एक एवरेज शार्क 17 सेंटीमीटर से 12 मीटर तक होती है और कुछ तो इससे भी बड़ी होती हैं। ये इतनी बड़ी होती हैं कि लाखों छोटी मछलियां एक साथ खा जाती हैं, और सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि कभी कभी मछुआरों की बोट पर भी हमला कर देती हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसी ही डेंजरस शार्क्स के बारे में जो एक बाइट पर ही किसी को मौत के घाट उतार सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, ग्रेट व्हाइट शार्क। तो सबसे पहली है ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसे व्हाइट पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र की सबसे घातक शिकारी शार्क है। ये शार्क आज तक 300 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुकी है और उनमें से 74 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब भला जिस शार्क के 300 दांत होंगे तो उसे कौन बच पाएगा? इसके दांत इतने नुकीले और जोरदार होते हैं कि एक बाइट से ही 1800 किलोग्राम बल होता है। इतना ही नहीं, ये साइज में भी 11 से 21 फीट तक की होती हैं और ये ज्यादा से ज्यादा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती हैं। वैसे तो ग्रेट व्हाइट शार्क पूरी दुनिया में ही पाई जाती है, लेकिन डायर आइलैंड साउथ अफ्रीका में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये शार्क इतनी खतरनाक है कि 1975 में इस पर एक पूरी फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था जॉज, जो कि पीटर बैंकले द्वारा लिखे गए नॉवल पर आधारित है। ग्रेट व्हाइट शार्क के कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ चुके हैं जहां इसने 10 मीटर लंबी बोट को भी चबा लिया है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका और साउथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर केज डाइविंग करने जाते हैं। नंबर 2, शॉर्ट फिन मैको शार्क। चलिए बढ़ते हैं दूसरी शार्क की तरफ। तो दूसरी है शॉर्ट फिन मैको, जिसे बोनिटो शार्क या ब्लू पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये शार्क समुद्र में सबसे तेज शार्क में से एक है जो 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरने में सक्षम है। मैको माओरी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैन ईटर। अगर बात करें इसके साइज की तो ये 4 मीटर तक लंबी हो सकती है। शॉर्ट फिन मैको अपने शिकार का शिकार करने के लिए दृष्टि, गंध और सुनवाई पर निर्भर करता है। हालांकि शॉर्ट फिन मैको ने आज तक इंसानों पर 8 अकारण हमले किए हैं और 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार चुकी हैं। लेकिन बोट पर हमला करने के मामले में शॉर्ट फिन मैको ग्रेट व्हाइट शार्क से भी काफी आगे है। मैको का एक दंश यानी कि बाइट नाव को 3 मिनट में डुबोने के लिए पर्याप्त है। इसी वजह से यह मछुआरों के लिए काफी खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नर मैको मादा मैको से साइज में छोटा होता है और साथ ही वजन में भी कम होता है। एक मादा मैको 600 किलोग्राम तक हो सकती है और वहीं एक नर ज्यादा से ज्यादा 200 किलो तक का हो सकता है। 1881 में इटली के एक तट पर 1000 किलो की शॉर्ट फिन मैको पाई गई थी। नंबर 3, सैंड टाइगर शार्क। अगली है सैंड टाइगर शार्क, जिसे ग्रे नर्स शार्क और ब्लू नर्स सैंड टाइगर शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम सैंड टाइगर शार्क इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये देखने में मिट्टी के रंग जैसी होती है और उसके दांत टाइगर के दांतों की तरह बहुत नुकीले होते हैं। सैंड टाइगर शार्क ज्यादातर जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। वैसे तो ये शार्क इंसानों पर हमला नहीं करती है, लेकिन जब इसे खतरे की अनुभूति होती है तो अपने बचाव के लिए हमला कर देती है। इसी वजह से ये आज तक 35 लोगों पर जानलेवा हमला कर चुकी है। अगर बात करें इसके साइज की तो एक अडल्ट सैंड टाइगर 6 फीट से 11 फीट तक लंबी हो सकती है और इनका वजन 91 से 159 किलो तक हो सकता है। सैंड टाइगर शार्क हर साल साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के समुद्र से माइग्रेट भी करती है। ये दिन में गहरे समुद्र में ही रहती है और रात के समय में शिकार करने ऊपर आ जाती है, इसलिए गोताखोरों को ये बहुत कम देखने को मिलती है। नंबर 4, हैमरहेड शार्क। अगली है हैमरहेड शार्क। इसकी तो शक्ल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि हम हैमरहेड क्यों कहते हैं। इसका मुंह ऐसा है कि किसी ने हथौड़े से इसके मुंह पर मारा हो, लेकिन इसकी शक्ल देखकर कहीं इसे मासूम समझने की गलती मत कीजिएगा।
क्योंकि हैमरहेड शार्क बहुत ही आक्रामक शिकारी होती है, जो कि छोटी मछलियों, ऑक्टोपस और स्क्वीड और को खाती है। वैसे तो ये इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन उकसाई जाने पर ये मौत के घाट उतार सकती है। हालांकि आज तक हैमरहेड शार्क सिर्फ 17 बार लोगों पर हमला कर चुकी है। हैमरहेड पूरा 360 डिग्री तक देख सकती है, क्योंकि इसकी आंखें इसके हैमरहेड के एकदम कोने में लगी होती हैं, जिसकी वजह से अपने आगे पीछे हर जगह देख सकती है। अगर बात करें इसके शरीर की, तो ये 1 से 6 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 3 से 580 किलो तक का हो सकता है। इसके बारे में चौंका देने वाली बात यह है कि ये डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि हैमरहेड शार्क के पूर्वज 2 करोड़ साल पहले भी थे, और 2008 से इसे लुप्त प्राय प्रजातियों की गिनती में डाल दिया गया है। नंबर 5, ब्लैक टिप शार्क। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी शार्क की तरफ। तो 5वें नंबर पर है ब्लैक टिप शार्क। अगर आप कभी फ्लोरिडा गए हों तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। फ्लोरिडा में 16% शार्क बाइट के केसेस सिर्फ ब्लैक टिप शार्क से ही आते हैं। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह शार्क सिर्फ 100 फीट पानी में ही रहती है, जिसकी वजह से लोगों की इससे मुठभेड़ होती रहती है। आज तक ये 42 लोगों को काट चुकी है और उनमें से एक ने अपनी जान भी गंवा दी है। हालांकि ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड है, फ्लोरिडा के अलावा ये शार्क अटलांटिक, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और कैरेबियन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हालांकि ब्लैक टिप शार्क बाकी शार्क के मुकाबले छोटी होती हैं, ये 1 से 3 मीटर तक बड़ी हो सकती हैं और 130 किलो तक पाई जाती हैं। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक शार्क्स, जो एक बाइट से पूरी बोट को डुबा सकती हैं, या फिर यूं कह लें कि एक बाइट से हमारे शरीर के 2 टुकड़े कर सकती हैं। वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूं कि 1970 से लेकर आज तक हम इंसानों की वजह से सिर्फ 29% शार्क्स ही पूरी दुनिया में रह गई हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको इनमें से कौन सी शार्क सबसे खतरनाक लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।